हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, आज मैं पूजा करने तो आ गई हूँ, लेकिन फ्लावर नहीं तोड़ी थी। तो अभी मैं अपने बेटी भेज के मंगवा रही हूँ, और देखिए कितना ज़्यादा फ्लावरिंग हुआ है, लेकिन पत्तियाँ काफ़ी पीली हो गई है, क्योंकि मैं आज नहीं गई हूँ टेरिस पे। सुबह ही जाके मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप में ये काफ़ी पीले होके गिर जाते हैं। और बहुत तेज़ धूप हुआ था, और धूप के बाद बारिश हुआ है, तो बारिश के बाद जितने भी इनके पीले पत्ते थे सब गिर गए हैं, लेकिन फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा हुआ है। तो देखिए कितना अच्छा फूल खिला हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो मैं बेटी को ही बोली कि जाओ एक वीडियो ले लो और फ्लावर तोड़ के लेते आओ। तो देखिए आई है, अब मैं जाके साफ़ करूँगी, क्योंकि काफ़ी धूप हो गया है, तो शाम को मैं जाके साफ़ करूँगी। और देखिए बहुत फूल खिले हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोग से दिखा रही हूँ ये वीडियो। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इधर देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि इसका फ्लावर दिखाऊं मैं, गोरी चोरी का, बहुत ही प्यारा खिला हुआ है। एक ही डाल में अभी फ्लावरिंग हुआ है, और काफ़ी लंबा हो गया है, कम से कम 5 फीट से भी ज़्यादा ये पौधा लंबा हो गया है। इसको मैं जून में लगाई थी, और देखिए मेरा बेटी को मालूम नहीं था कि इसका फ्लावर ज़्यादा दिन तक चलता है, तो ये उसको भी तोड़ के लेते आई है, सभी फ्लावर को तोड़ के लेते आई है। तो कोई बात नहीं, इसमें फिर से फ्लावरिंग हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि ये पहला फ्लावर है गोरी चोरी का। और ये अलमंडा तो खूब खिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खिल रहे हैं। तो आज पूरा गार्डन को मैं साफ़ सफाई करूँगी, बहुत ज़्यादा पीले पत्तियाँ यहाँ गिरे हुए हैं। और देखिए सबको मैं हटा के फिर से थोड़ा अच्छा सेटअप बनाऊंगी। ऐसे मुझे इसी तरह से लगाना ठीक रहता है, क्योंकि टेरिस भी पूरा खाली रहता है और पौधा भी अच्छा से सेट कर जाता है। देखिए कितना ज़्यादा फ्लावर खिला हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो मेरी बेटी लेकर आई है। फ्रेंड्स, अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।